हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज योर होस्ट रोहित और आज हम बात करेंगे 5 टिप्स टू ग्रूम एंड स्टाइल। सो आई विल शो यू हाउ टू स्टाइल योर मुस्टैच। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल विच इज R&R रीफिट एंड रीस्टाइल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टा प्रोफाइल इज दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन ऑर्डर टू स्टाइल योर मुस्टैच, मेरे पास कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़े हैं बियर्डो के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, यहाँ कोई बियर्डो पैसे नहीं दे रहा मुझे। इट्स जस्ट दैट मैं ये प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और आपने अपने मेरे इंस्टा पे देखे होंगे फोटोज़। मैंने काफ़ी बियर्ड बढ़ा रखी थी पहले, अब मैंने ट्रिम करवा ली बिकॉज ऑफ समर्स, बहुत ज़्यादा इच्ची और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है उस चीज़ को। सो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग इट टू यू। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर वेदर यू वॉन्ट टू बाई इट और नॉट। सो मेरे पास है बियर्डो का ऑयल, उसके अलावा वी वुड बी रिक्वायरिंग मुस्टैच एंड बियर्ड वैक्स, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम बियर्डो। सो अपने को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट अभी यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब अपने बियर्ड को स्टाइल करें सो इट शुड बी हाफ वेट, एंड हाफ बाय हाफ वेट आई मीन्स कि आप जैसे नहा के निकले हैं, 10-15 मिनट आपने क्लोथ क्लोथ पहने, बाकी बाल बनाए, उसके बाद जो आपकी दाढ़ी में थोड़ी सी नमी होती है वो होनी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू स्टाइल इट। सो फर्स्ट हम अपनी मुस्टैच को थोड़ा सा कॉम कर लेते हैं, बियर्ड भी कॉम कर लेते हैं ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने जो मुस्टैच है उसको इस तरीके से घुमाएं, कर्व करें ताकि वो आपके मुंह में नहीं आए। सो फर्स्ट वी विल अप्लाई सम बियर्ड ऑयल, जस्ट अ ड्रॉप और टू डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बियर्ड है, आपकी मुस्टैच कितनी बड़ी है। जस्ट रब इट नाइसली, बियर्ड ऑयल लगाना है इस कंपल्सरी ताकि वो नरिशमेंट रहे आपकी दाढ़ी में और वो आपकी मुस्टैच में, एंड और इट विल ब्रिंग द शाइन टू। अगर आप देख रहे तो आप थोड़ी सी शाइन करने लगी मेरी बियर्ड, और उसको थोड़ा सा, अगर आपकी बियर्ड आपकी मुस्टैच इससे ज़्यादा बड़ी है, जो कि आई एम नॉट श्योर कि आप, यानी मैं भी बड़ी करूँगा इसको इन फ्यूचर, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट अगर आपकी और बड़ी है सो यू कैन यूज़ अ हेयर ड्रायर टू सेट इट अप, आप अपने हिसाब से उसको ग्रूम करने के लिए। बट अभी एज ऑफ नाउ मेरी मुस्टैच इतनी बड़ी नहीं है कि आई वुड रिक्वायर अ हेयर ड्रायर टू कर्व इट और टू ग्रूम इट, टू स्टाइल इट आई मीन। सो ये लगा लिया ऑयल, अब मैं लगाऊंगा मुस्टैच ग्रोथ रोल ऑन। सो बेसिकली मैं ही इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज इसके ऊपर मैं वैक्स अप्लाई करूँगा अपनी मुस्टैच पे, और इस रोल ऑन में कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, और जो मेरा वैक्स है, जो मेरे डैमेज होगा मुस्टैच पे वो उससे बचाएगा। ये मेंटेनेंस चाहिए भाई, ऐसे नहीं। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से अप्लाई करें एजेस पे भी। ओके, अब इसको वापस से थोड़ी सी शेप देंगे। सो इफ यू सी वो शेप में आना चालू हो गई है यहाँ से, थोड़ा सा इसको Now the most important part comes. जब आप उसको घुमाएंगे you need to make sure कि in order to move your right mustache you would require your left hand to do it. So अगर आपको ताव देना है तो अपने left hand से right hand की mustache को ताव दोगे, and same goes with the other one. There is a reason we are indeed कि हम अपने हमेशा उल्टे हाथ से उसको ताव देते हैं, बिकॉज आपका उल्टे हाथ से जब आप उसको ताव देते हैं सो एक तो उसका जो कर्व बनता है वो बहुत ईजी और बहुत अच्छा बनता है, एंड सेकेंड थिंग कि आप अगर सेम हाथ से दोनों करते हो तो एक अपना जो डोमिनेटिंग हैंड होता है उस तरफ का कर्व आपका बहुत ज़्यादा आएगा और दूसरी तरफ का नहीं आएगा। इसलिए वी रिकमेंड कि आप हमेशा
उल्टी तरीके उल्टे हाथ से ताव दें। So once your mustache is in shape now, अब इसके edges थोड़े से यहाँ से। So once your mustache is in shape now, now we'll apply the mustache wax. आपको ज़्यादा नहीं लेनी, so you will be requiring just this much amount of wax, because सिर्फ ऊपर ऊपर पार्ट पे लगेगी और थोड़ी सी नीचे से को लगा के फर्स्ट इमल्सिफाई। यू नीड टू मेक श्योर कि उसको रब करें अच्छे से ताकि वो हीट हो जाए, तभी वो अच्छे से लग पाएगी। अब फर्स्ट एट द एजेस एंड देन थोड़ा सा नीचे से इसको, ताकि मेरे मुंह में नहीं आए ये चीज़। अगर इफ़ आई एम कंज्यूमिंग समथिंग और ईटिंग समथिंग या कुछ भी, सो वो पूरे टाइम मेरे मुँह में नहीं गिरे। सेम गोज विद दिस, फर्स्ट फ्रॉम द एजेस and then from the below part, ताकि वो उसको कव कर रहे। अभी थोड़ी सी मैंने नीचे से थोड़ी सी ट्रिम करवा ली है, रीज़न बिंग कि वो गर्मियों की वजह से थोड़ा सा जिम विम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है। तो बट हाँ, अभी थोड़ा सा समर्स चल जाएगा, देन आई ग्रो इट, तो अपन थोड़ा सा इसको नीचे से कर्वील कर देंगे। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। आप इफ़ यू कैन सी इट कि अब वो कर्व्स आ गया है, वो सेट हो गई है। नाउ आई डू नॉट हैव टू बार बार मेरे को ताव देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी सेट नाउ। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल RNR विच इज़ रीफिट एंड इन स्टाइल। टिल द टाइम वी मीट अगेन, ईट मोर, स्लीप मोर एंड लिफ्ट मोर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।